हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से। सभी को गुड इवनिंग, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस गुरुजी पे। एक बार सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से हम अब क्लास को स्टार्ट करें। आज आपका इंग्लिश का सेकंड मॉक टेस्ट होगा। एक मॉक टेस्ट हम सैटरडे को कर चुके हैं, आज आपका ये सेकंड मॉक टेस्ट है। तो इसमें आप अपना स्कोर चेक करोगे। आप सभी को यहाँ पे प्रेजेंट होना है, सभी को आंसर देने हैं और लास्ट में अपना स्कोर चेक करना है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आज आप किस लेवल पे हो और आने वाले 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद आपका लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है क्लासेज को देख के। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो। सभी को जय हिंद, जय महाकाल, जय महाकाल। राम स्वरूप कुमार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। तो वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम लोगों को। देख बार 100+ लाइव होने चाहिए, 100+ तो मिनिमम होने चाहिए। 150 तक हमें पहुंचना है, 100+ सबसे पहले 100+ तक पहुंचो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्लास को हम स्टार्ट करें। आज आपकी क्लास क्या है, मॉक टेस्ट नंबर 2 इंग्लिश। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आज का आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट नंबर 2। और इसमें क्या होगा, आपका इंग्लिश सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश जो आपकी एयरफोर्स के अंदर 20 मार्क्स की रहती है, नेवी के अंदर 25 मार्क्स की रहती है और एनडीए में 200 मार्क्स की रहती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एयरफोर्स में आपको पता ही है 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का। नेवी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहता है आपका। और एनडीए के अंदर आप देखते हो कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स एस्पेरेंट हो या नेवी एस्पेरेंट हो, एनडीए एस्पेरेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट आज का मॉक टेस्ट। जल्दी से एक बार ज्वाइन करो, जल्दी से ज्वाइन करो। शामली से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अजय कुमार, आपका वेलकम है। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सर राजस्थान से प्रणाम। राकेश गुजर, आपका वेलकम, आपका वेलकम है डिफेंस गुरुजी परिवार में। और आप लोगों के सपोर्ट से आज हम 75,000 तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही आपका सपोर्ट आगे बना रहे, इसी के हम आपसे अपेक्षा रखते हैं, कामना करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करें अपना क्लास। क्लास हम स्टार्ट करें, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। चलो देखो, पहले आपके यहाँ पे पैसेज है, पहले क्या पैसेज, तो पैसेज को हम लास्ट में करेंगे। पैसेज को भी मैं अच्छे से आपको करवाऊंगा आज, पूरा पैसेज हम पढ़ेंगे लास्ट में और उनके आंसर हम करेंगे। तो पैसेज को लास्ट में करवाया जाएगा, पहले जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। देखो पैसेज के तो 5 क्वेश्चन है, पैसेज के जो 5 क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले जो बाकी क्वेश्चन है उनको देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स हम करेंगे पहले। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिनोनिम के, 2 क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिलते हैं सिनोनिम्स के। कई बार 1 आ जाता है, कई बार 2 मिल जाते हैं आपको। देखो क्या होगा, झारखंड से मनीष कुमार आपका वेलकम है, झारखंड से। चलो अभी देखो, अभी देखो। अच्छा, बेंगलोर से जीवन कुमार आपका वेलकम है, बेंगलोर से ही वेलकम आपका। पहला है आपके पास सिनोनिम, आपको बताना है 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन, जो आपका 6th और 7th जो क्वेश्चन है उनके आपको सिनोनिम बताने हैं, आपको सेम मीनिंग बताना है। पहला आपके पास 6th नंबर क्वेश्चन है डोसाइल, पहला वर्ड क्या आपके पास, डोसाइल। काफी अच्छा वर्ड एग्जाम में आ चुका है, जो भी आपको मॉक टेस्ट में वर्ड करवाए जाएंगे, सिनोनिम हो या एंटोनिम हो, वन वर्ड हो, इडियम फ्रेज हो, या जो भी आपको वॉइस नरेशन स्पोर्टिंग द एरर या फिलिंग द ब्लैंक हो पैसेज, वो या तो एग्जाम में आ चुके हैं पहले या फिर आने की पॉसिबिलिटी है। सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। डोसाइल का बताओ क्या होगा, 6th का बताओ क्या होगा, 6th का आपको आंसर देना है, 6th का आपको आंसर देना, जल्दी से बताओ। और लास्ट में आपको अपना स्कोर चेक करना है कि आपने कितने ठीक किए, आज आप किस लेवल पे, आज आपको पता लग जाएगा। जल्दी से आ जाओ, बताओ क्या होगा। डोसाइल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम। यहाँ पे एक वर्ड है वेग, वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब क्या होता है, हेजी, हेजी का मतलब क्या है, ऑब्स्क्योर। साथ साथ जो आपको सिनोनिम बताए जा रहे हैं, बाकी वर्ड्स के भी जो सिनोनिम आपको बताए जाएंगे उनको भी आप नोट करते रहेंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स नेवी एनडीए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वेग मतलब हेजी, मतलब ऑब्स्क्योर, मतलब नॉट क्लियर, अनकलियर, जो चीज क्लियर ना हो, जो चीज क्लियर नहीं है, धुंधली है, ठीक है, धुंधली है, कोई चीज स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्क्योर बोलते हैं, हैजी बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है जेंटल, जेंटल का मतलब क्या होता है, पोलाइट, जेंटल का मतलब क्या होता है, पोलाइट, विनम्र। स्टूपिड आपको पता ही है, स्टूपिड मतलब क्या होता है, सिली, मूर्ख, स्टूपिड बोलो, सिली बोलो, या फुलिस बोलो, या फूल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। स्टबन क्या होता है, जिद्दी, स्टबन का मतलब क्या होता है, जिद्दी। इसके सिनोनिम लिखना चाहोगे तो ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है।
और obdurate हो जाएगा, obdurate बोल लेंगे, obstinate बोल लेंगे, ये किसके synonym है, stubborn के। तो मैंने सभी जो options हैं उनके synonym भी आपके लिए लिख दिए, इन synonyms को भी आप नोट रखेंगे, इन synonym को भी नोट कर लो, आप आगे आपके यूज होंगे एग्जाम्स के अंदर, इनका भी यूज होगा। तो docile का मतलब क्या होता है, docile का जो आंसर होगा वो होगा बी, जेंटल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही जेंटल पर्सन होता है, बहुत ही पोलाइट जो होता है, विनम्र जिसको बोलते हैं, विनम्र हिंदी में क्या बोलेंगे, विनम्र। तो बी इसका आंसर है, हमें सिनोनिम बताना था तो बी आंसर है छह का। कुछ लोगों ने ए बताया है, कुछ लोगों ने ए बताया है, ए आंसर नहीं होगा, इसका बी आंसर होगा, ठीक है। तो स्टबन का भी देख लेना, जिद्दी, स्टबन क्या बोलते हैं, जिद्दी जो होता है, जो मानता नहीं है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट उसका सिनोनिम है स्टबन का, ऑब्डुरेट भी इसका सिनोनिम है। स्टूपिड क्या होता है, मूर्ख, सिली या फुलिस, जेंटल मतलब पोलाइट, और वेक मतलब जो चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, अनक्लियर, हेजी, ऑब्स्क्योर। तो इन सिनोनिम्स को भी आपको लिखना है, साथ साथ सिनोनिम्स को भी आपको लिखना है। शाबाश, 100 प्लस हो गए, 150 तक हमें पहुंचना है, 150 यहाँ पे लाइव होने चाहिए बच्चे। तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहला गलत अगर कोई दिक्कत नहीं, सिद्धार्थ सिंह जितनी गलती करनी है यहाँ पे कर लो, मॉक टेस्ट में कर लो, वो कैब वाली क्लास में कर लो, ग्रामर वाली क्लास में कर लो, एनडी के पीगीओ में कर लो, एग्जाम में कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए आपको। अभी तो बस प्रैक्टिस हम करें, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं अभी। सेवंथ का बताओ क्या होगा, इग्नोरेंस। नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या, इग्नोरेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या आपके पास, इग्नोरेंस। तो बताओ क्या होगा, इग्नोरेंस का आपको सिनोनिम बताना है, इग्नोरेंस का क्या बताना, आपको सिनोनिम बताना है। बताओ क्या होगा सेवंथ का, सेवंथ का रुद्रा राजपूत ने बी बताया है, बी बताया, ठीक है। बाकी लोग बताओ क्या होगा, बाकी बताओ क्या होगा, बाकी बताओ। यहां पे आप वर्ड देख रहे हो, नॉलेज देख रहे हो, विजडम देख रहे हो, इनएक्सपीरियंस देख रहे हो, कंसियसनेस देख रहे हो, ठीक है, कंसियसनेस देख रहे हो। बताओ क्या होगा, इग्नोरेंस का आपको क्या बताना है, इग्नोरेंस का आपको सिनोनिम बताना है, सिनोनिम आपको बताना है। तो इग्नोरेंस का सिनोनिम क्या होगा, चलो आपने कमेंट कर दिया, इग्नोरेंस का सिनोनिम क्या होगा, सी, इनएक्सपीरियंस। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या है, इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या है, अनकॉन्शियसनेस, 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 अनकॉन्शियस का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज का या एक्सपीरियंस की कमी होना, एक्सपीरियंस या नॉलेज की कमी होना क्या होता है आपका, इनएक्सपीरियंस या इग्नोरेंस। तो आंसर क्या है इसका, सी। बाकी जो वर्ड है यहाँ पे, नॉलेज वर्ड है, विजडम वर्ड है, और ये कंसियसनेस जो वर्ड है, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ये सात नंबर जो क्वेश्चन है, इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हैं, ए, बी और डी, और सिनोनिम क्या है इसका, सी। सिनोनिम क्या है सेवंथ का, सी। मीनिंग क्या है इसका, अनकॉन्शियसनेस मतलब इनएक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी या ज्ञान की कमी, क्या बनेगा, अनकॉन्शियसनेस या इनएक्सपीरियंस, मतलब इग्नोरेंस बनेगा, सी आंसर होगा इसका। अच्छी बात, आपके दोनों सही है, शिवम कुमार चौबे, वेरी गुड, आपके दोनों सही है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो अगला, एंटोनिम आपको बताना है, यहाँ पे एट्थ और नाइन्थ जो वर्ड आपके पास है, ये यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड आपको बताना है, विलोम शब्द आपको बताना है। बताओ एट्थ का क्या होगा, जेन्युइन, क्या लिखा हुआ, जेन्युइन लिखा हुआ, ये वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, बोलते ना ये बहुत ही जेन्युइन आदमी है, जेन्युइन स्टूडेंट है, हमारे सारे डिफेंस म्यूजिक के स्टूडेंट है, वो सारे क्या जेन्युइन है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, तो जेन्युइन का हमें एंटोनिम बताना, आपके बार एंटोनिम आपको बताना है। जेन्युइन का सिनोनिम आप देखना चाहो, जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है वो देख लो, ऑथेंटिक, ठीक है, ऑथेंटिक इसका सिनोनिम होता है, ऑथेंटिक इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, रियल हम इसको बोल सकते हैं, बोनाफाइड हम इसको बोल सकते हैं, ये क्या है, जेन्युइन के सिनोनिम्स। देखो मैं जो आपके सिनोनिम्स लिखवा रहा हूं ऑप्शंस के भी, वो भी आपको नोट करने, वो भी आपको नोट करने हैं, काफी अच्छा वर्ड है। रोटन क्या होता है, सड़ा हुआ, रोटन का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज लगा लो या कंप्लीट। साउंड का मतलब क्या होता है, या तो वॉइस की बात होगी, या फिर साउंड का मतलब कंप्लीट भी होता है, साउंड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूरा, ठीक है। साउंड नॉलेज होनी चाहिए आपको, किसी भी सब्जेक्ट को मैं अच्छा स्कोर करने के लिए आपको उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। साउंड नॉलेज मतलब कंप्लीट, ये दूसरा मीनिंग है साउंड का। सिंपल मीनिंग है वॉइस, आवाज की बात हो रही है। बोगस जो वर्ड यहाँ पे, ये इसका आंसर है। बोगस का मतलब क्या होता है, फेक।
बोगस का मतलब क्या होता है? फेक, जो नकली है, जो रियल नहीं है, नॉट रियल, जो चीज रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? फेक यानी बोगस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? इसका आंसर क्या हो गया आपका? बी आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बी आंसर हो गया। एंटोनिम आपको बताना था, अपोजिट आपको बताना था, तो बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। नाइन्थ का बताओ, अब नाइन्थ का क्या होगा? नाइन्थ का आपको एंटोनिम बताना है। एसएस का मतलब क्या होता है? एसएस का मतलब क्या होता है? अप्रोच। एसएस का मतलब क्या होता है? अप्रोच। ठीक है, पहुंच होना। आपकी अप्रोच कहां तक है? आपकी एसएस कहां तक है? ठीक है, आपकी पहुंच कहां तक है, उसकी हम बात करेंगे। तो सभी बच्चों को शेयर करना है वीडियो को, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ऊपर जो टेलीग्राम चैनल का आपको पिन दिखाई दे रहा है उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से आपको हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल हर एक बच्चे को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करते रहो क्लासेज को। एसएस का मतलब क्या होगा? अप्रोच, पहुंच कहां तक आपकी, एसएस कहां तक है, हमें क्या बताना है इसका? हमें इसका एंटोनिम बताना है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है, एसएस का मतलब एक तो अप्रोच हो गया, दूसरे मीनिंग की बात करोगे तो एंट्री, एंट्री यहां पे इसका मीनिंग ये है, एंट्री भी इसका सिनोनिम है, एंट्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? एग्जिट। आंसर क्या होगा इसका? एग्जिट। एग्जिट के एक दो सिनोनिम देख लो, इंपॉर्टेंट। एग्जिट का सिनोनिम लिखना चाहो, एग्जिट का सिनोनिम सेम मीनिंग इग्रेस, क्या बोलेंगे हम लोग? इग्रेस भी इसका सिनोनिम है, इग्रेस भी इसका सिनोनिम है। किसका? एग्जिट का। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इस वर्ड को मैं करवा चुका हूं पहले, पहले मैं इसको करवा चुका हूं। ठीक है, जो हमने 34 क्लासेज की थी मिशन यूनिफॉर्म वाले बैच में, उन क्लास को भी देख लो, उनमें बता चुका था हूं कि इग्रेस का मतलब क्या होता है? एग्जिट, बाहर जाना, बाहर जाने की बात होगी, इग्रेस होगा। चलो, इग्रेस क्या हो गया आपका? एग्जिट, बाहर जाने की बात होगी। एसएस क्या था? एंट्री, अप्रोच, पहुंचने की बात हो रही थी। तो एंटोनिम क्या हो गया यहां पे? ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अच्छी बात है वीरेंद्र सैनी, आपके तीनों राइट हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या बताना है? नेक्स्ट आपको बताना है यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10th जो क्वेश्चन है, उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इंडियन नेवी में एक एक क्वेश्चन आता आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्या लिखा हुआ है? क्या देखो, क्या लिखा हुआ है? ए पर्सन हु हैज ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी भी ऑक्यूपेशन का, किसी भी व्यवसाय का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, एक्सपीरियंस आदमी है बहुत ज्यादा, किसी भी व्यवसाय का इसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो बताओ क्या होगा? 10th का बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एक लाइन आपके पास गिवन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, बताओ क्या होगा? मीनिंग देख लो, सभी के मीनिंग एक बार देख लो, अपने आप बता दोगे आप। ठीक है, ऑनरी क्या होता है? ऑनरी का मतलब क्या होता है? ऑनरी का मतलब क्या है? एक ऐसी जॉब आप कर रहे हो जिसकी आपको सैलरी नहीं मिलती, बस वो जॉब आपके ओनर के लिए, आप सम्मान के लिए आपकी जॉब है। ए जॉब विदाउट सैलरी, ए जॉब विदाउट सैलरी क्या बोलेंगे? ऑनरी। ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसका भी ध्यान दो। क्या लिखा मिलेगा? ए जॉब विदाउट सैलरी, विदाउट एनी पे, कुछ भी लिख लो, विदाउट सैलरी या विदाउट एनी पे, क्या बोलेंगे उसको? ऑनरी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा होस्टेस। होस्टेस क्या होता है? जो गेस्ट गेस्ट वगैरह को अटेंड करती है, कोई लेडीज, कोई लेडीज जो गेस्ट को अटेंड करे, क्या होती है? होस्टेस। हैवोक, हैवोक क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। जब बात होगी डिस्ट्रक्शन की, विध्वंस की बात होगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन की बात होगी। जैसे हैवोक का मतलब क्या है? जैसे बहुत बड़ा तूफान आ गया, स्टॉर्म आ गया, तो वहां पे हैवोक हो गया, वहां पे चीजें डिस्ट्रॉय होगी, वहां पे विध्वंस हो गया, विनाश हो गया, वहां पे उसको क्या बोलते हैं? हैवोक। ये जो वेटरन बोला लिखा हुआ है, वेटरन का मतलब क्या होता है? स्किलफुल। वेटरन का मतलब क्या होता है? स्किलफुल, मतलब बात करेंगे एडेप्ट, ए डी ई पी टी, एडेप्ट बोलो या स्किलफुल बोलो या वेटरन बोलो, सभी का मतलब है निपुण। सभी का मतलब क्या है? निपुण, मतलब एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत ज्यादा स्किल है इसके अंदर, उसी को बोलेंगे वेटरन। तो आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर होगा, इसका डी आंसर होगा। बाकी जो ऑप्शंस के आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको भी नोट करना है आपको, उनके ऊपर भी ध्यान देना है। ये भी एग्जाम में आ चुके हैं, ये नहीं कि आपको बस ऑप्शन आंसर के ऊपर ध्यान देना है। बाकी जो ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आपका है इडियम एंड फ्रेज। नेक्स्ट क्या आपका? इडियम एंड फ्रेज, मुहावरे की बात होगी, कहावत की बात होगी, कोई ना कोई कहावत या मुहावरे की बात होगी। इडियम एंड फ्रेज क्या लिख रहा है? वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड, वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड, जहां पे डिसिप्लिन की बात होगी, आई पुट माई फुट डाउन, आई पुट माई फुट डाउन,
पुट माई फुट डाउन को अंडरलाइन कर रखा है, पुट माई फुट डाउन को यहां पे अंडरलाइन कर रखा है, इसका आपको मीनिंग बताना है। पुट माई फुट डाउन यहां पे आपका एक फ्रेज है, क्या यहां पे एक फ्रेज, इसका आपको मीनिंग बताना है, क्या मीनिंग होगा। इलेवेंथ का बताओ क्या होगा, टेक ए फॉर्म स्टैंड, टेक ए लाइट स्टैंड, टेक ए हैवी स्टैंड, टेक ए सिक स्टैंड, बताओ क्या होगा। चलो रुद्र राजपूत आपका नाम ले लिया, चलो इलेवंथ का बताओ क्या होगा, इलेवंथ का जल्दी से कमेंट कर दो, इलेवंथ का क्या होगा। पुट माय फुट डाउन यहां पे अंडरलाइन कर रखा है हमने, इसका आपको बताना है मीनिंग, आपको बताना है टेक ए फॉर्म स्टैंड, टेक ए फॉर्म स्टैंड, ठीक है, कठोर कदम उठाना, कठोर कदम उठाना, ठीक है। तो इलेवंथ का काफी सारे बच्चों ने सी बताया, किसी ने ए, किसी ने बी बताया है, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। इलेवंथ का ए आंसर है, इलेवंथ का क्या आंसर है, ए। इलेवंथ का आंसर क्या होगा, टेक ए फॉर्म स्टैंड। जब भी डिसिप्लिन की बात होगी, जब भी डिसिप्लिन की बात होगी, आई पुट माई फुट डाउन, मतलब मैं क्या लूंगा, एक फॉर्म स्टैंड लूंगा। डिसिप्लिन की बात होगी तो मैं उससे समझौता नहीं करूंगा, मैं अपना एक सख्त यानी फॉर्म स्टैंड मैं लूंगा उसके उसके लिए। तो ए आंसर हो जाएगा यहां पे, टेक ए फॉर्म स्टैंड, लाइट नहीं आएगा, फॉर्म स्टैंड आएगा। नेक्स्ट, चूज मैस्कुलाइन वर्ड। कई बार एयरफोर्स नेवी के अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन भी आ जाते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन भी आ जाते हैं, जो आपने स्कूल में पढ़े थे, पुलिंग स्त्रीलिंग जिसको बोलते थे। कभी कभी एयरफोर्स नेवी के अंदर सिंगुलर और प्लुरल नाउन भी आ जाते हैं, नाउन में मैं इनको करवाऊंगा। नाउन टॉपिक जब हम करेंगे सुबह वाली क्लास में, ग्रामर वाली क्लास में, उनमें मैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन भी आपको करवा दूंगा कुछ, और आपको सिंगुलर और प्लुरल नाउन भी करवा दिए जाएंगे, कई बार एग्जाम में ये भी मिल जाते हैं। तो मैस्कुलाइन आपको बताना है, मैस्कुलाइन का मतलब क्या होगा, पुलिंग। आपको ये जो वर्ड लिखा हुआ है वाशरवुमेन, वाशरवुमेन जो लिखा हुआ है, इसका आपको मैस्कुलिन, इसका पुलिंग आपको बताना है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, ट्वेल्थ का क्या होगा, क्या बताना है इसका, इस वर्ड का वाशरवुमेन का पुलिंग, मैस्कुलिन मतलब पुलिंग आपको बताना है, ठीक है। तो वाशरमैन होगा ये वाला होगा, या वाशर ये वाला होगा, वाशरमैन या वाशरवुमेन, सेम लिख दिया अभी तो। चलो ट्वेल्थ का बताओ क्या होगा, ट्वेल्थ का आंसर जल्दी से, वीके ने ए बताया, संजीव कुमार ने ए बताया है, मणिपाल ने बी बताया, इलेवंथ का डी, जीवन कुमार ने डी बताया। अरे डी तो सेम हो गया ना, डी तो सेम ही हो गया, ठीक है। आपको इसका मैस्कुलाइन, इसका पुलिंग आपको बताना है, जैसे ये गर्ल है तो क्या हो जाए, बॉय हो जाएगा, इस टाइप से बताना है आपको। ट्वेल्थ का कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, देखते हैं क्या होगा। ट्वेल्थ का आंसर जल्दी से, चलो आपने आंसर दे दिया होगा, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, देखते क्या होगा, देख लो अभी। ट्वेल्थ में आप देखोगे वाशर वुमेन लिखा हुआ है, यहां पे ध्यान दो, कई बच्चे ए बता रहे हैं जल्दबाजी में, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, एयरफोर्स में बहुत सारा टाइम आपको मिलेगा इंग्लिश करने के लिए, 20 मिनट एयरफोर्स में है आपके पास, एक्स और वाई वाले बच्चों के लिए 20 मिनट क्या है, मोर देन इनफ, 20 मिनट क्या है, मोर देन इनफ। 10 मिनट में भी आप इंग्लिश का पेपर कर सकते हो आराम से, पैसेज भी कर सकते हो 10-12 मिनट में, बाकी बचे हुए 8-10 मिनट में दोबारा उसको रिवाइज भी कर सकते हो, इतना टाइम आपके पास है। तो वर्ड को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, जल्दबाजी में आपका गलत हो सकता है, कई बच्चों का गलत हो चुका है। ए वाशरवुमेन, यहाँ पे ई लगा हुआ है, यहाँ पे ई लगा हुआ है, ये प्लूरल है, ये क्या प्लूरल, तो क्या होगा इसका, इसका बी आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा वाशरमैन, ई लगाना है आपको, क्योंकि वो वर्ड वहां पे प्लूरल था, तो ये भी क्या लेना है प्लूरल। अगर यहाँ पे ए होता, एक सिंगुलर वुमेन की बात हो रही है, एक लेडीज की बात होती, तो यहाँ पे फिर ये वाला होता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा प्लूरल, ई लगेगा। चलो ट्वेल्थ का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अगला बताओ, अगला क्या आपके पास, स्पोर्टिंग द एरर, अगला क्या, स्पोर्टिंग द एरर, एरर आपको फाइंड आउट करनी है, 13th क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड आउट करनी है, बताओ क्या होगा। महात्मा गांधी टोट अस, महात्मा ने हमें सिखाया, टोट क्या, टीच की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। दैट क्या सिखाया हमें, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर, कि हर एक इंसान को दूसरे लोगों के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे लोगों के रिलीजन की, दूसरे लोगों के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज मच एज हिज ओन, जितनी इज्जत वो खुद के धर्म की करते हैं जो लोग, दूसरे धर्म की उतनी इज्जत करनी चाहिए। ये बात किसने सिखाई, महात्मा गांधी ने बताई है, ठीक है। बताओ क्या होगा अब, किस पार्ट में एरर है, 13th में
पांच पार्ट है, 13 में 5 पार्ट्स है, ठीक है। अगर नो एरर है तो ई आंसर होगा, नो एरर है तो ई आंसर होगा, और ए बी सी डी और ई बताओ क्या होगा। कुछ लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। यहां तक सी पार्ट है, यहां तक डी पार्ट है, नो एरर मतलब ई, ई आपको बताना है, नो एरर मतलब ई। पांच पार्ट है यहां पे, 5 पार्ट्स हैं, तो बताओ स्पॉटिंग द एरर, एरर आपको फाइंड आउट करना है, एरर आपको फाइंड आउट करना है। चलो देख लो, अभी मैं आपको बता रहा हूं, नवीन अत्री बी आंसर दिया है, चलो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। दिग्विजय सिंह ने सी आंसर दिया, वीरेंद्र ने बी आंसर दिया है, काफी लोग बता रहे हैं बी सी, ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मणिपाल ने डी आंसर दिया है, मणिपाल ने डी आंसर दिया है, आशीष कुमार गुप्ता ने डी बताया, देख लो इसका डी ही आंसर होगा, डी आंसर होगा इसका, डी बी सी कुछ आंसर नहीं होगा इसका, डी आंसर होगा। डी में जाके एरर है, डी में जाके एरर है, ये भी ध्यान रखो, डी में क्या एरर है वो भी देख लो, डी में क्या एरर है वो देख लो। यहां पे आप देखोगे सेंटेंस को, ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, देखो एक मैं सेंटेंस और बता रहा हूं, इसको समझाने से पहले मैं एक सेंटेंस और आपको समझा रहा हूं, ताकि आपको अपने आप समझ में आ जाए सेंटेंस क्या बोलूंगा मैं। मैंने बोल दिया वन शुड रिस्पेक्ट वन्स पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हर किसी को अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी को अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप देख रहे हो वन यहां पे सब्जेक्ट है, वन यहां पे प्रोनाउन है, वन यहां पे क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या बनता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन बनता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन में सीख लेंगे डिटेल में। वन यहां पे क्या प्रोनाउन, अगर वन यहां पे आया है तो यहां पे वंस आएगा, यहां पे क्या आएगा वंस, ये क्या होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको पोजेसिव एडजेक्टिव। वन में क्या लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफ एस, वन में क्या लगाना पड़ेगा अपोस्ट्रोफ एस, अगर यहां पे वन आया है तो यहां पे हिज यूज नहीं होगा, यहां पे वंस आएगा, यहां पे क्या आएगा वंस, ठीक है वंस ऑन, ऐसे करना पड़ेगा आपको। चलो शाबाश, डी आंसर था इसका, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम करेंगे इसको, आगे प्रोनाउन में करेंगे तो वहां से सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के आंसर गलत भी हो रहे हैं तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आगे हम इनको सीखेंगे ग्रामर वाली क्लास में, वोकैब वाली क्लास में सब कुछ सीख लेंगे, तो आपके ठीक हो जाएंगे आगे आने वाले मॉक टेस्ट में आंसर ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14 क्वेश्चन में भी क्या बताना है आपको, एरर फाइंड आउट करनी है, 14 में भी आपको एरर फाइंड आउट करनी है, बताओ क्या होगा। बिनेश लिखा हुआ है यहाँ पे, बिनेश इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स। बिनेश नाम का बंदा है, यहां तक ए पार्ट है, यहां तक बी पार्ट है, यहां तक सी पार्ट है, यहां तक डी पार्ट है आपका, और नो एरर मतलब ई। अगर 14 में कोई भी एरर नहीं है तो ई आंसर होगा, और अगर किसी पार्ट में एरर है तो एरर बता दो जल्दी से, बताओ क्या होगा। रिलीजन्स ऑफ अदर ठीक है, शिवम कुमार चौबे रिलीजन्स ऑफ अदर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 14th का बताओ, 14th का बताओ क्या होगा, 14th में आ जाओ, 14th में बताओ क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहो, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ, ताकि सभी लोगों का बेनिफिट हो, ठीक है। हर एक गांव में जो बच्चा बैठा है, हर एक कस्बे में जो बच्चा बैठा है एयरफोर्स नेवी के लिए जो तैयारी कर रहा है, उस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, मैक्सिमम लोगों तक क्लास पहुंचनी चाहिए। तो बताओ क्या होगा, बिनेश इज गोइंग एवरी डे, तो किस पार्ट में एरर है 14th में, 14th भी आपका फाइंड द एरर है, स्पॉटिंग द एरर वाला क्वेश्चन है। फोर्टींथ का बताओ जल्दी से, एवरीडे, अच्छा एवरीडे का इज, एवरीडे का इज डे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीडे ठीक है, एवरीडे वहां पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं एवरीडे में। चलो देख लो, अभी देख लो क्या आंसर होगा इसका, ए आंसर होगा इसका, क्या होगा ए आंसर होगा इसका, ए, ठीक है। यहां पे आप देखोगे एवरीडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, एवरीडे लिखा हुआ है, ठीक है। एवरीडे मतलब ये परमानेंट एक्शन है, एवरीडे मतलब परमानेंट एक्शन है। जब भी कोई ऐसा वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए जो वर्ड परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, एवरीडे आ जाए, डेली वर्ड आ जाए, ठीक है, एवरी आवर आ जाए, एवरी मिनट आ जाए,
एवरी वीक आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, मतलब वो एक्शन क्या है, परमानेंट। वो काम क्या हो रहा है, परमानेंट। और हमने सीख रखा है कि परमानेंट एक्शन के लिए क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। परमानेंट एक्शन के लिए टेंस क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, बिनेश यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा यहाँ पे, गोज, बिनेश गोज, बिनेश गोज एवरीडे, बिनेश गोज एवरीडे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नेबर्स। तो इसमें ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, गोज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे 15 से लेकर 19 तक, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक जो क्वेश्चन होंगे वो फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चन हैं। आपके पास चार ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, आपको इन चार ऑप्शंस में यहाँ पे फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक में, खालिस्तान में यहाँ पे आपको ऑप्शंस में फिल करना है। पहला क्वेश्चन है पूजा इज इंगेज्ड, पूजा इज इंगेज्ड, फिलिंग द ब्लैंक प्रिंस, ठीक है, दे विल बी मैरिड नेक्स्ट ईयर। पूजा जो है वो प्रिंस से इंगेज हो चुकी है और अगले साल उनकी शादी हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, शादी हो जाएगी प्रिंस की और पूजा की। बताओ क्या होगा इसमें, इन आएगा, टू आएगा, फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। ये फ्रॉम है भाई, ठीक है, ये फ्रॉम है, एफ आर ओ एम, इसको ठीक कर लेना, ये फ्रॉम है। बताओ क्या होगा, इंगेज टू होगा या इंगेज इन होगा, इंगेज ऑफ होगा, इंगेज फ्रॉम होगा, क्या आएगा बताओ। 15th का बताओ जल्दी से, 15th में बताओ क्या होगा, इंगेज के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करें या इन यूज करें या फ्रॉम या ऑफ। चलो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा इसमें। चलो देखो, समझ लो पहले इंगेज इन, अगर इंगेज इन कब आएगा, इंगेज इन कब आएगा वो देख लो। इंगेज इन का मतलब क्या है, इंगेज इन का मतलब Engage in something, आप किसी काम में बिजी हो, आप किसी काम में क्या हो, बिजी हो, ठीक है, आप किसी काम में व्यस्त हो, ठीक है। जैसे आप अभी डिफेंस गुरु जी पे मॉक टेस्ट करने में एंगेज हो, आप यहाँ पे बिजी हो, तो क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। इन कब आएगा, जब बिजी की सेंस होगी, जब व्यस्त की सेंस होगी तो क्या जाएगा वहां पे, इन आ जाएगा, क्या जाएगा वहां पे, इन आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा देखो, इंगेज टू कब आएगा, आंसर क्या यहाँ पे, टू, आंसर क्या यहाँ पे, टू आएगा, बी आंसर होगा इसका, बी। तो काफी लोगों ने ठीक भी बताया है, काफी लोगों ने ठीक भी बताया है, इंगेज टू ए पर्सन, इंगेज टू ए पर्सन होता है, ठीक है, इंगेज ई एन, ई एन जी ए जी ई डी, इंगेज टू ए पर्सन मतलब किसी से शादी करना, ठीक है, इंगेज टू ए पर्सन। तो पर्सन यहाँ पे है, प्रिंस यहाँ पे एक पर्सन है, तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, क्या जाएगा, टू, पर्सन होगा तो टू आ जाएगा, समथिंग, किसी काम में बिजी है तो इन आ जाएगा, किसी काम में बिजी है तो इन आ जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्या है, 16th क्वेश्चन है, अगला 16th क्या होगा देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, ये जो 16th क्वेश्चन है ये फ्रेजल वर्ब से है, कि 16th क्वेश्चन किससे है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशन हमने कर ली कंसेप्चुअल, अब हम आगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में आपको करवाऊंगा, कल हम क्या करेंगे सुबह वाली क्लास में फिक्स्ड प्रीपोजिशंस करवाऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन था आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन से, ठीक है, तो ये मिलते हैं बार बार फिलिंग द ब्लैंक में या स्पोर्टिंग द एडर में मिलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। बताओ, हाँ, बेलगांव दूर नहीं है, बेलगांव आप जरूर पहुंचोगे वीरेंद्र सैनी, बेलगांव दूर नहीं है, ना चिल्का दूर है ना बेलगांव दूर है, ठीक है, बस आपको मेहनत करते रहना, दो महीने बस दिन रात आपको मेहनत करनी है, ना बेलगांव दूर है ना चिल्का दूर है, हर एक चीज आपको मिलेगी। टेररिस्ट मस्ट नोट, ठीक है, नोट यहां पे क्या करना है, यहां पे ई हटाना है, एनओटी वाला नोट है यहां पे, एनओटी, टेररिस्ट मस्ट नोट बी लेट, लेट इन, लेट ऑफ, लेट आउट, लेट डाउन, देखते हैं क्या होगा। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, वर्ब के साथ आपको मिल जाए, वर्ब के साथ मिल जाए आपको इसको भी ठीक कर लो, एलईटी होगा यहां पे, एलईटी, लेट क्या होगा यहां पे, एलईटी, ठीक है,
हाँ एनडीए भी दूर नहीं है प्रशांत यादव, हर एक चीज आपको मिलेगी, जो जिसका टारगेट है वो सबको मिलेगा, ठीक है। जिसका टारगेट एयरफोर्स जाने का वो वहां पहुंचेगा, जिसका नेवी का टारगेट है वो वहां पहुंचेगा, और जिसका एनडीए का टारगेट है वो वहां पहुंचेगा। जो जुड़ा रहेगा, क्लासेस देखता रहेगा, पिछली क्लास भी देखेगा, वो कैब या ग्रामर हो चाहे मॉक टेस्ट हो, एनडीए पीवाईक्यू हो, सब कुछ देखेगा, ठीक है, तो मिलेगा सब कुछ। टेररिस्ट मस्ट नॉट बी लेट, एलईटी है यहाँ पे, लेट कर लेना इसको, लेट। अब बताओ इन आएगा, ऑफ आएगा, आउट आएगा, डाउन आएगा। चलो इसको मैं बता देता हूं, इसको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब, वर्ब के साथ मिलेगा प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका मीनिंग नॉर्मल से अलग होता है, जिसका मीनिंग नॉर्मल से अलग होता है उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्रिया के साथ मिल जाए आपको प्रीपोजिशन और मीनिंग क्या उसका नॉर्मल से अलग, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑफ, ओ डबल एफ, यहाँ पे क्या आएगा, ओ डबल एफ, ठीक है। टेररिस्ट जो है, आतंकवादी जो है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, बिना पनिशमेंट दिए उनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो लेट ऑफ का मतलब क्या है, लेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है वो देख लो, लेट ऑफ का मतलब क्या होता है वो देख लो, लिख लो, ठीक है। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू लीव, किसी को छोड़ना, किसी को फ्री कर देना, टू फ्री या टू लीव, ठीक है, टू लीव या टू फ्री समवन विदाउट पनिशमेंट, किसी को बिना पनिशमेंट छोड़ देना, बिना दंड दिए छोड़ देना, क्या बोलते हैं उसको, लेट ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, लेट ओ डबल एफ। तो क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन, ठीक है, टू लीव या फ्री, किसी को छोड़ देना, फ्री कर देना, विदाउट पनिशमेंट, क्या बोलते हैं उसको, लेट ऑफ बोलते, क्या बोलते हैं उसको, लेट ऑफ। तो क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा, क्या बोल रहे, टेररिस्ट को बिना पनिशमेंट दिए नहीं छोड़ना चाहिए, टेररिस्ट जो होते हैं, आतंकवादी, आतंकवादी जो होते हैं उनको बिना पनिशमेंट दिए नहीं छोड़ना चाहिए, लेट ऑफ, तो बी आंसर होगा इसका। हाँ वही है, ऑफ का मतलब अलग होना, लेकिन ऑफ का मतलब अलग होना होता है, लेकिन लेट ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, शिवम कुमार चौबे, लेट ऑफ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब का आपको अलग से मीनिंग सीखना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात करें लुक आफ्टर, अगर हम बात करें लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर भी क्या है आपकी फ्रेजल वर्ब। अब लुक का मतलब देखना होता है, आफ्टर मतलब पीछे, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि पीछे देखना होता है, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, तो ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब, इसका मीनिंग नॉर्मल से अलग है, मीनिंग वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रहा है, मीनिंग क्या है, डिफरेंट, जो हमें सीखना है, जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही लेट ऑफ का मतलब क्या है, किसी को फ्री करना बिना पनिशमेंट दिए। अगला बताओ, अगला, नो सूनर डज ही अराइव देन एवरीवन फिलिंग द ब्लैंक अप इन हिज ऑनर, स्टैंड स्टूड स्टैंड्स गोट, 17th का बताओ जल्दी से, अब क्या होगा, 17th का ही बताओ जल्दी से क्या होगा, 17th का बताओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम तिवारी, सिद्धार्थ सिंह, चार गलत हो जाएं, पांच हो जाएं, सात हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगातार जुड़े रहोगे, लगातार मॉक टेस्ट करते रहोगे, वो कैप पढ़ते रहोगे, ग्रामर पढ़ते रहोगे, एनडी के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे, तो इंग्लिश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी टारगेट आपका है, एयरफोर्स का टारगेट है तो 20 में से 18 नंबर कहीं नहीं गए, नेवी का टारगेट है तो 20 में से 22 25 में से 22 नंबर कहीं नहीं गए, और एनडी में 160 प्लस आप ले सकते हो 200 में से, बस आप लगे रहो, लगातार लगे रहो। तो देखो, नो सुनर का पेयर बनता है देन के साथ, कंजक्शन का पेयर है, कंजक्शन में देखेंगे, वहां पे सीखेंगे, नो सुनर देन, टी एच ए एन सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये ग्रामर की बात है। बताओ क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे कई लोगों ने आंसर दिया है स्टैंड, कोई बोल रहा है ए, कोई सी बोल रहा है, देखते हैं क्या होगा। एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीवन, देखो एक बात ध्यान दो, एवरीवन आपका सिंगुलर होता है, एवरीवन क्या होता है, सिंगुलर, एवरीवन यहां पे प्रोनाउन है, एवरीवन क्या होता है आपका प्रोनाउन, और ये क्या होता है सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब मिलेगा सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब कब होती है जब उसमें एस लग जाए, तो सी आंसर होगा इसका, स्टैंड्स, क्या आंसर होगा इसका, स्टैंड्स, एस लगाना पड़ेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि V1 में जब एस लग जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ES लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है, क्या बन जाती है, वो सिंगुलर बन जाती है, तो जब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी लेनी पड़ेगी सिंगुलर, तो सी आंसर होगा। कुछ लोगों ने ए आंसर दे दिया जो कि गलत है, ए, कोई डी भी बोल रहा है, पता नहीं कैसे बोल रहा है डी, यहाँ पे क्या होगा, जब जब वो पहुंचा तो हर कोई उसके सम्मान में खड़ा हो गया, हर कोई उसके सम्मान में खड़ा हो गया, ठीक है,
स्टैंड्स, एवरीवन है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब में लगाना पड़ेगा एस सी आई एस, जब बनती है सिंगुलर क्रिया में एस सी आई एस लगाने से क्या बन जाती है वो सिंगुलर, ध्यान रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ 18th, अगला क्या आपके पास 18th, ए केमिकल यूज्ड फॉर सरफेस क्लीनिंग, एक केमिकल जो सरफेस क्लीनिंग के लिए किसी भी सतह को साफ करने के लिए यूज होगा क्या बोलेंगे उसको, डिटर्जेंट बोलेंगे, सर्फ बोलेंगे या पाउडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। कोई बात नहीं, जितने जिसको ठीक हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ, अगला बताओ 18th का बताओ, वो कैब कैसे सुधारू, रिंकू यादव वो कैब कैसे सुधारू, वो कैब मैंने बता दिया कि पीछे जो क्लास हो चुकी मिशन यूनिफॉर्म वाले बैच की, तो 34 क्लास है उनको देखो सबसे पहले, ठीक है, जो साथ साथ क्लास चल रही है वे भी देखते रहो और टाइम लगा के पिछली क्लास भी वन बाय वन देखते रहो, नोट्स बनाते रहो प्रॉपर, ठीक है, और आपकी वो कैब ठीक हो जाएगी। बताओ क्या होगा 18th का, क्या होगा, एक केमिकल यूज्ड फॉर सरफेस क्लीनिंग, डिटर्जेंट बोलेंगे या हम बोलेंगे इसको सर्फ बोलेंगे, पाउडर बोलेंगे या पावर फोम बोलेंगे, पाउडर फोम बोलेंगे विशाल राजपूत। 18th तो इजी सा है काफी, 18th में क्या होगा डिटर्जेंट, 18th में क्या होगा डिटर्जेंट, क्या बोलेंगे उसको, डिटर्जेंट बोलेंगे उसको, ठीक है, ए आंसर होगा इसका, ए आंसर होगा 18th का, डिटर्जेंट होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला, ए नेवल ऑफिसर, ए नेवल ऑफिसर, नेवी में कोई ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर डाइड फिलिंग द ब्लैंक, ए कार एक्सीडेंट, ए कार एक्सीडेंट, बताओ इन ए कार एक्सीडेंट, ऑफ ए कार एक्सीडेंट, बाय ए कार एक्सीडेंट या थ्रू ए कार एक्सीडेंट, क्या होगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है काफी, 19th क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान दो, सीखेंगे बहुत कुछ इसके अंदर। 19th में बताओ क्या होगा, 18th में क्या कंफ्यूजन है, 18th में आप ध्यान रखो जो केमिकल हम यूज करेंगे वो डिटर्जेंट उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होले सरफेस क्लीनिंग के लिए जिसको यूज करते हैं क्या बोलते हैं डिटर्जेंट उसको बोलेंगे, ठीक है। सर्फ जो आप यूज कर रहे हो सर्फ, ये तो हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, क्लोथ वॉशिंग के लिए यूज करते हैं सर्फ, ठीक है, सरफेस क्लीन करने के लिए यूज होगा डिटर्जेंट। तो क्या होगा, डाइड इन ए कार एक्सीडेंट या डाइड ऑफ, डाइड बाय, क्या होगा, देखो डाइड के साथ कई चीज आती है, डाई के साथ ऑफ भी आता है, डाई के साथ आउट भी आता है, डाई के साथ ऑफ फोर भी आता है, फ्रॉम भी आता है, इन भी आता है, कई चीजें आती हैं, ठीक है, थीके? तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा इन, यहां पे क्या आएगा आपका इन, यहां पे इन आएगा, यहां पे क्या आएगा इन, ठीक है, समझ लो। अब डाई के साथ कब कब क्या क्या आता है वो सीख लो, वो सीख लो, अभी देख लो डाई ऑफ क्या आएगा, डाई ऑफ कब होगा, डाई ऑफ अगर यहां पर कोई डिजीज होती, किसी बीमारी का नाम होता, किसी बीमारी का नाम होता तो ऑफ आता, ठीक है, अगर कोई हेजे से मर गया, कोलेरा हेजे से मर गया, टीबी से मर गया तो क्या आएगा ऑफ आएगा, किसी बीमारी का नाम होगा तो क्या आएगा ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सीखेंगे और वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करते रहेंगे। डाइड ऑफ मतलब डिजीज, बीमारी होगी तो ऑफ आएगा, ठीक है, ही डाइड ऑफ कोलेरा हेजे से मर गया, ही डाइड ऑफ टीबी, टीबी से मर गया तो ऑफ यूज होगा। दूसरा डाई फिलिंग द ब्लैंक फोर, फोर कब आएगा, जब कोई रीजन की बात होगी, किसी रीजन से मर गया, ठीक है, किसी रीजन से मर गया, ठीक है, जैसे ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मर गया, देश के लिए मर गया, किसी रीजन की बात होगी, कोई कारण यहां पे दिया जाएगा तो क्या जाएगा फोर आ जाएगा, क्या जाएगा वहां पे फोर आ गया, ठीक है। अच्छा एक्सीडेंट में कोई मर गया, एक्सीडेंट में अगर कोई मर गया तो इन आ जाएगा, जब कोई एक्सीडेंट की बात होगी तब क्या जाएगा इन आ जाएगा। दूसरा डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस भी होता है, ये आपका एक फ्रेज भी आता है, ये आपका फ्रेज भी होता है, क्या होता है एक फ्रेज, ईडियम एंड फ्रेज में भी आता है, ईडियम एंड फ्रेज में भी आएगा, क्या है डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या है, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जैसे हम बात करेंगे इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की बात करेंगे, राजीव गांधी की बात करेंगे, जिस टाइम वो पीएम थे, जिस टाइम वो कार्यकाल पीएम जब बने हुए थे उस टाइम मर गए तो वो क्या है डाई इन हार्नेस, ठीक है, जब उनकी उनका कार्यकाल चल रहा था पीएम वाला,
प्रधानमंत्री जिस टाइम थे जब वो मर गए तो क्या आएगा उसमें, क्या आएगा उसमें, डाई इन हार्नेस, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाना, क्या बोलते हैं इसको, डाई इन हार्नेस। ठीक है, कोई पीएम या कोई कोई सीएम या कोई अधिकारी, जब एमएलए एमपी कोई भी अपने कार्यकाल के दौरान मर जाए, क्या बोलते हैं इसको, डाई इन हार्नेस। डाई आउट भी होता है, डाई आउट कब होगा, डाई आउट का मतलब क्या है, जैसे हम बात करेंगे कोई आपके पास क्लोथ है, कोई कपड़ा है, आपने उसको धूप में सुखा दिया बहुत टाइम तक, उसका रंग उड़ गया, उसका कलर फेड हो जाए, कलर फेड हो गया, उसका रंग उड़ जाएगा, तो डाई आउट बोलेंगे उसको। डाई आउट का मतलब रंग उड़ जाना, कलर फेड हो जाना, रंग उड़ जाना, क्या बोलते हैं उसको, डाई आउट। रंग उड़ जाने की बात होगी तो डाई आउट, बीमारी की बात होगी तो डाई ऑफ, किसी रीजन की बात होगी, देश के लिए मर गया या किसी और रीजन के लिए मर गया, किसी कारण की बात होगी तो डाई फोर, कार्यकाल में मर गया तो डाई इन हार्नेस, ये फ्रेज आपका, एक्सीडेंट वगैरह की बात होगी तो डाई इन। तो ये खेल था सारा डाई का, ये खेल था सारा डाइट का। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, अगला आपके पास नरेशन, अगला क्या आपके पास नरेशन, प्रेम तिवारी वोकैब समझने के लिए आपको मैंने बार बार आपको बताया कि पिछली क्लास देखनी है, 34 क्लास वोकैब की हो चुकी, वो देख लो, वोकैब आपको इजी लगेगी। ठीक है, नरेशन में बताओ, नरेशन आपको बताना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, आपको ये जो बोल्ड यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इसका ऑप्शन में से इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताओ ही सैड, क्या लिखा, ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है, तो टेंस क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बताओ क्या होगा। इजी सा क्वेश्चन है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं अमित शर्मा, हाँ समझ गया, देश के लिए शहीद होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री यूज होगा, ही डाइड फॉर हिज कंट्री ऐसे यूज होगा। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, 20th का बताओ, 20 नंबर का बताओ क्या होगा, 20 का इजी सा है बहुत ज्यादा। देखो ही सेड दैट, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस था तो दैट कंजक्शन लगेगा, सब में है, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ ही हो जाएगा। टेंस यहाँ पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाएगा तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉज, ही क्या सिंगुलर इसलिए वॉज आ गया, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। बहुत इजी सा है नरेशन, बहुत इजी सा नरेशन है। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा, बी आंसर होगा इजी सा है। चेंज द वॉइस, वॉइस आपको बदलना है, यू सब्जेक्ट हो गया, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मस्ट है, मॉडल है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब है, ए लेटर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, क्या बनाना है इसका, पैसिव वॉइस। तो बहुत इजी सा है, 21 का बताओ जल्दी से, बहुत इजी सा है यहाँ पे 21 का बताओ जल्दी से, इसके बाद हम पैसेज भी करेंगे, पैसेज में आपको करवाऊंगा समझाऊंगा, बहुत इजी पैसेज है, एग्जाम में बहुत मुश्किल पैसेज नहीं आता, अगर आपकी वोकैब इंप्रूव हो रखी है, अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है, सिनोनिम एंटोनिम आपके अच्छे हैं, वोकैब पावर अच्छी है और आपकी ग्रामर अच्छी है तो पैसेज भी आप आराम से कर पाओगे, पैसेज भी नेवी एयरफोर्स एनडीए सभी में कर पाओगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, मॉडल रहेगा सेम, मस्ट का मस्ट, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमने सीख रखा है कि जब भी मॉडल प्लस में वी वन आ जाए, मॉडल के साथ मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो मॉडल सेम रहेगा, मॉडल क्या रहेगा, ये सेम मॉडल है, अगर ऊपर मस्ट हो तो नीचे मस्ट आपको रखना है। ठीक है, मस्ट मॉडल रहेगा सेम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी आ गया, थर्ड फॉर्म क्या, रिटर्न, सी आंसर हो जाएगा इसका, 21 का क्या हो जाएगा, सी, हाँ सी को लॉक कर दिया सिद्धार्थ, सी को लॉक कर दिया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। तो अब हम करेंगे पैसेज, पैसेज में आपको करवा रहा हूं, जो बच्चों को डर रहता है पैसेज में, बहुत इजी पैसेज आता है, बस आपकी वोकैब अच्छी हो, आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी हो, आपकी ग्रामर अच्छी है, जो सब कुछ यहाँ पे चल रहा है डिफेंस गुरु जी पे, आप पैसेज भी आराम से कर लोगे, पैसेज भी आराम से कर लोगे, तो बताओ क्या होगा। पैसेज में देख लो, पैसेज में है क्या, बिल्कुल इजी सा पैसेज है, बिल्कुल इजी सा पैसेज है, बिल्कुल इजी सा पैसेज है, देखो। ठीक है, पैसेज क्या है आपके पास, सारिका नेशनल पार्क, ये एक नेशनल पार्क है, सारिका नेशनल पार्क, ये क्या है, नेशनल पार्क है, एक सारिका नेशनल पार्क। ठीक है,
इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, इंडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पे जंगली जानवर रहते हैं, जहां पे जंगली जानवर रहते हैं उनको उनको वहां पे संरक्षण मिलता है, क्या मिलता है उनको वहां पे संरक्षण मिलता है सेंचुरी के अंदर, ठीक है। लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर, जयपुर से कितनी दूर है ये, 107 किलोमीटर दूर है जयपुर से, जयपुर से, ठीक है, राजस्थान के अंदर है ये, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, द पार्क पोजेजेज, पार्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो पार्क है आपका, जो नेशनल पार्क है, सारी का नाम से नेशनल पार्क है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ऐतिहासिक जो कुछ देखने लायक चीजें यहाँ पे हैं, उसके अलावा यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं, मंदिर भी हैं और मोनूमेंट्स हैं, कुछ ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारक भी हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऐतिहासिक स्मारक हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं और टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। विच डेपिस्ट द लेगेसी ऑफ महाराज ऑफ अलवर, जो अलवर के महाराज के टाइम से हैं, अलवर के महाराज ने बनवाए होंगे ये चीजें, उसके बता रहा है। द पार्क इज बिगर देन रणथंबोर, रणथंबोर के पार्क से ये बड़ा है, बट हैज सिमिलर टोपोग्राफी, लेकिन उसके जैसी यहाँ पे टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी का मतलब क्या है, वहां पे सेम चीजें हैं, सेम प्रकार की वहां पे वन सतली है, ठीक है, वो चीजें सेम है वहां पे। दो हालांकि, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि यानी हालांकि, दिस सेंचुरी डज नॉट हैव मेनी टाइगर्स येट, क्या बोल रहा है, इस सेंचुरी में बहुत सारे टाइगर अभी तक नहीं है, बहुत सारे यहाँ पे चीते नहीं है, टाइगर नहीं है अभी तक। मेनी वाइल्ड एनिमल्स डेवल ऑन ग्राउंड्स ऑफ दिस पार्क, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, यहाँ पे कार्निवोरस वाले भी हैं, कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी हैं, और हर्बीवोरस भी हैं, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे हैं, जो हर्बीवोरस जो शाकाहारी एनिमल्स हैं, शाकाहारी जो जीव जंतु वो भी हैं और मांसाहारी भी यहाँ पे हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रैक रिसेस मंकी, जो बाकी यहाँ पे ये मंकी की प्रजाति है, ये भी मंकी भी यहाँ पे हैं, ठीक है। विच कैन यूजली बी सीन प्लेइंग ट्रिक्स अपॉन ईच अदर अराउंड द टेड वृक्ष, मतलब जो पाम ट्री है, जो पाम ट्री है, तो मंकी जो है वो उन ट्री के ऊपर खेलते रहते हैं, जो मंकीज यहाँ पे हैं, ये जो रिसेस मंकीज या मंकी की प्रजाति है, ये इन जो पाम ट्री है, टेड जो वृक्ष हैं, उनके ऊपर खेलते रहते हैं, उनके ऊपर खेलते रहते हैं, ये चीज बताई गई है, ठीक है। क्वेश्चन भी दिखा देंगे आशीष कुमार गुप्ता, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत ईजी पैसेज है और पैसेज बहुत आसान आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता, आपके एयरफोर्स नेवी में आप आराम से कर लोगे, ठीक है। द पार्क ऑल्सो शेल्टर्स मेनी डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, क्या बोल रहा है, ये जो पार्क है, कौन सा पार्क, सारिका नेशनल पार्क जो है, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां जो है, स्पीसीज का मतलब क्या होता है, प्रजातियां, पक्षियों की जो प्रजातियां हैं उनको भी शेल्टर देता है, शेल्टर मतलब उनको भी यहाँ पे संरक्षण मिलता है, उनका भी यहाँ पे आवास है, वो भी यहाँ पे रहते हैं। कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पे हैं, बुश क्वेल्स, सैंड ग्राउजेस, ट्री पीस, गोल्डन बेक, ये क्या है, सारी पक्षियों की प्रजातियां, ठीक है। क्रेस्ट सरपेट ईगल्स, ईगल्स की प्रजाति है ये, ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड ओवल्स, ये उल्लू की प्रजाति यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे पक्षियों की प्रजातियां हैं सारी। एनिमल्स लवर्स वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस, जो लोग एनिमल को प्यार करते हैं, जो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, वो इसको बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियां भी हैं, ठीक है, मंकी भी यहाँ पे हैं, टाइगर्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, कई चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, टेंशन ना लो प्रेम तिवारी, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे, आप आराम से उसे करके आ जाओगे, ठीक है। द बेस्ट प्लेस टू स्पोर्ट, बेस्ट प्लेस यहाँ पे, बेस्ट प्लेस कौन सा वाइल्ड लाइफ के लिए, इज एट द वाटर होल्स, वाटर होल्स जो है, जहां पे पानी इकट्ठा हो रखा है, वाटर होल्स जो है वो भी इसके क्या है, बेस्ट प्लेस, जहां पे एनिमल्स आते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए, अपनी थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए एनिमल्स वहां पे पानी पीने के लिए आते हैं वाटर होल्स पे। यू कैन ट्रेस हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एट द कालीघाटी वाटर होल, एंड नीलगाय कैन बी स्पॉटेड एट, ठीक है, सलूपा वाटर होल, क्या बोल रहा है, आपको हजारों पक्षी मिलेंगे कहां पे, कालीघाटी वाटर होल पे, भाई वाटर होल पे पानी पीने आएंगे जो पक्षी हैं वो, और आपको नील गाय भी मिलेंगी कहां पे, सलूप का वाटर होल पे, क्या मिल जाएंगे, नील गाय भी आपको मिल जाएंगी, बहुत सिंपल है। अब इसको देखना, अब आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, ये तो बहुत छोटा पैसेज है संजीव कुमार, बहुत छोटा पैसेज है ये, ठीक है, अब आराम से कर लोगे इसको, पैसेज को देखना क्या बोल रहा है। इन द सारिका नेशनल पार्क, सारिका नेशनल पार्क के अंदर क्या क्या चीजें हैं, देयर आर क्या क्या चीजें हैं, भाई देखो, ए ऑप्शन है बोथ कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ठीक है, नो कार्निवोरस नो हर्बीवोरस, ओनली कार्निवोरस ओनली हर्बीवोरस। तो अभी अभी हमने पढ़ा था
आंसर दो, अभी आंसर दो, पहले का क्या होगा? ये जो पार्क है सारिका नेशनल पार्क जो है उसके अंदर कार्निवोरस भी था और हर्बीवोरस भी था, तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? इजी है बहुत, पहले का बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कार्निवोरस भी है, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, हर्बीवोरस जो शाकाहारी, जो शाकाहारी एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, वो भी हैं। तो इसमें दोनों हैं, इसमें क्या है? बोथ। ए आंसर होगा, बिल्कुल आसान से पैसेज है, ए आंसर होगा इसका, क्या होगा? ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट। एनिमल आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, कहां पे आते हैं भाई? डीप वेल पे आते हैं, बोर वेल पे, या वाटर होल पे, या बोर होल पे, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? सेकंड का बताओ क्या होगा, एनिमल कहां पे आते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, कहां पे आ रहे थे एनिमल? आपने अभी भी देखा था अपनी प्यास बुझाने के लिए एनिमल्स कहां पे आ रहे थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए एनिमल्स कहां कहां आ रहे थे, बताओ जल्दी से। तो सेकंड का बताओ, सेकंड का बताओ क्या होगा, सेकंड का बताओ, अब सेकंड का क्या होगा? सेकंड का देखो सिंपल सा है, जो एनिमल थे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहां पे आ रहे थे? वाटर होल पे आ रहे थे। कहां पे आ रहे थे? अभी अभी आपने देखा कहां रहे थे वो? वाटर होल पे। अभी देख रहे थे कहां रहे थे सारे वो? वाटर होल पे आ रहे थे अपने प्यास बुझाने के लिए, ठीक है। वाटर होल सिंपल सा है, आंसर क्या हो जाएगा? वाटर होल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो सेकंड भी आपने कर लिया। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, सैंड ग्राउज इज ए स्पीसीज ऑफ। ये जो सैंड ग्राउज लिखा हुआ है ये किसकी प्रजाति है? ये प्लांट की प्रजाति है, या ट्रीज की है, एनिमल्स की, या बर्ड्स की है, बताओ किसकी है प्रजाति है ये? थर्ड और ग्राउज जल्दी से, थर्ड क्या होगा? सैंड ग्राउज जो है किसकी स्पीसीज है? अभी हमने पढ़ा था, थर्ड का बताओ क्या होगा, थर्ड का आंसर दो जल्दी से। अभी हमने पढ़ा था जो वहां पे बर्ड्स पाए जाते हैं, वहां पे जो पक्षी पाए जाते हैं, वहां पे कई प्रजातियां वहां पे गिवन थी, पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां वहां पे गिवन थी, उसमें एक का नाम था सैंड ग्राउज। एक का नाम क्या था? सैंड ग्राउज। तो ये पक्षी की प्रजाति थी, पक्षी की प्रजाति थी ये, ठीक है। बर्ड्स यहां पे किसकी प्रजाति थी? ये पक्षी की। तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, डी आंसर होगा इसका, थर्ड का क्या होगा? डी आंसर। थैंक यू सुनील, थैंक्स फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट, आई एम योर बिगेस्ट फैन, थैंक्स यू, थैंक फॉर योर नाइस कॉम्प्लीमेंट्स। तो क्या होगा इसका? डी आंसर होगा, आसान सा है। तो ये पक्षी की प्रजाति थी, आप अभी पीछे हमने पढ़ा, ये एक पक्षी की प्रजाति थी, आपने अभी अभी देखा था इसको, ठीक है। चलो शाबाश, आपने सही आंसर दिया सभी ने। कुछ लोग अभी सी बता रहे हैं, अभी अभी पढ़ा था ये पक्षी की प्रजाति थी, बर्ड्स की यहाँ पे स्पीसीज, स्पीसीज क्या होता है? प्रजाति, ठीक है। नेक्स्ट, सारिका नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम। सारिका नेशनल पार्क किससे दूर नहीं है, बताओ? फोर्थ बताओ, फोर्थ, फोर्थ बताओ जल्दी से, फोर्थ क्या होगा? सारिका नेशनल पार्क इज नॉट फार फ्रॉम। आपने पहली लाइन जो पढ़ी थी वो ध्यान रखो और बता दो क्या होगा। फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग यहां पे हो जाएगा। पहली लाइन में इसका आंसर था, डायरेक्ट आंसर नहीं था लेकिन इनडायरेक्ट वहां पे आंसर था, बताओ किससे दूर नहीं है वो? सारिका नेशनल पार्क किसके, किससे दूर नहीं है? चंदू मौर्य ने सी बताया, सुनील गिवरिया ने सी आंसर दिया, सत्यम ने सी, चंदू ने, सब ने सी, जयपुर से दूर नहीं था वो। आपने देखा कि 107 किलोमीटर था वो, 107 किलोमीटर मात्र, ठीक है। राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है तो 107 तो वो छोटी सी बात है वहां के लिए, ठीक है। तो जयपुर से दूर नहीं था, मतलब सी आंसर होगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, सी इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। और लास्ट देख लो, लास्ट आपका क्वेश्चन है आज का, ठीक है। द पार्क पोजेजेज, पार्क के अंदर क्या क्या चीजें थी, पार्क के अंदर क्या क्या था, पार्क के अंदर क्या था? मोनूमेंट्स एंड रैम्पार्ट्स, मोनूमेंट्स एंड फोर्ट्स, फोर्ट्स क्या होता है? किला, किला। टेम्पल्स एंड रैम्पार्ट्स, मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या आंसर होगा इसका? फिफ्थ और बताओ जल्दी से, द पार्क पोजेजेज।
चलो अच्छी बात है कैलाश चौधरी, अब भी आपको आने लगी तो अच्छी बात है। अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है, इंग्लिश को इंप्रूव करो, इतना इंप्रूव करो कि आपके एयरफोर्स के अंदर 18 प्लस नंबर हो, 18 नंबर आपके हों 22 में से। नेवी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके 22 प्लस होने चाहिए, एनडे के लिए आपके 160 प्लस हो, ये हमारा टारगेट है, इस टारगेट को हम लेके चले हैं। अच्छी बात है सुनील, आप राजस्थान से हो, आपका वेलकम है, आपका वेलकम है। हरियाणा में डिफेंस क्रूजी पे, डिफेंस क्रूजी भिवानी में आपका वेलकम है। द पार्क पोजे जी, पार्क में क्या क्या चीजें थी, पार्क में क्या था, पार्क में आपने देखा मोनूमेंट्स थे, मोनूमेंट्स का मतलब वहां पे कुछ ऐतिहासिक स्मारक थे, ठीक है, और वहां पे टेंपल्स थे, क्या थे वो टेंपल्स, जो महाराज ऑफ अलवर, अलवर के महाराज ने बनवाए होंगे उसको, उसके बारे में बता रहे थे। तो इसका डी आंसर होगा, 5 का क्या होगा, डी आंसर। तो बहुत ही इजी पैसेज था, एग्जाम में ऐसा ही पैसेज आता है, ज्यादा मुश्किल आता नहीं एयरफोर्स नेवी के अंदर, ठीक है। तो आप पैसेज आराम से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस अपना रखना हमेशा, आप आराम से कर सकते हो पैसेज को भी, पैसेज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एरर वाले क्वेश्चन हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन हो ग्रामर के, चाहे सिनोनिम हो, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, सब कुछ आपको करवाया जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग एरर के भी हम चीजें करेंगे और आपका पैसेज भी हमने कर लिया, पूरी ग्रामर, पूरी वोकैब आपको करवाई जाएगी। और पिछली जो क्लास हो चुकी, जो मिशन यूनिफॉर्म वाले बैच की जो क्लास है, 34 क्लास वोकैब की देखो, 33 क्लास ग्रामर की देखो, और मिशन प्रतिज्ञा वाले बैच की भी क्लास देखो, पिछली जो नहीं देखी होंगे, और जिसका भी जो डाउट हो अपना पूछ लेना, अच्छी बात है जिसके। अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 21 थे, क्वेश्चन यहाँ पे 21 थे, तो स्कोर आपका 21 में से काउंट करो, क्वेश्चन यहाँ 20 नहीं थे, क्वेश्चन 21 थे, तो 21 में आपको बताना है, 20 नहीं थे यहाँ पे, क्वेश्चन 21 थे, ठीक है। अजय कुमार 20 नहीं थे, 21 थे, ठीक है। चलो हाँ, अगर आप इसको 100 करोड़ देखा जाओगे, मजा देना चाहते हो तो वीडियो को शेयर किया करो, अपने सभी दोस्तों को बोला करो कि सभी डिफेंस गुरुजी पे आए हैं, सभी इंग्लिश की क्लास लें, बाकी क्लास भी लें, सभी टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं डिफेंस गुरुजी पे, आपको बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका काम है उसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना आपका काम है। चलो चलो हम अगली क्लास में मिलेंगे, अब सुबह की क्लास में हम लोग मिलेंगे 10 बजे, उसमें हम करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। सुबह हम क्या करेंगे, सुबह हम करेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में यही चीजें आती हैं, आजकल एग्जाम में क्या आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या आती हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, वो हम कल करेंगे, कल की क्लास में हम देखेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। सुबह 10 बजे मिलेंगे, अब शाम को आपकी 6:30 बजे फिजिक्स की क्लास होती है, वो भी जरूर देखनी है, 7:30 बजे आपकी एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी डबल एस आर के लिए मैथ क्लास होती है, विकास तिवारी सर आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं, और 8:30 बजे प्रतीक सर आपको वाई ग्रुप का मैथ करवा रहे हैं, वो क्लास भी आपको देखनी है, वो क्लास भी आपको देखनी है। तो हम अगली क्लास में हम मिलेंगे, अब सुबह हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, जुड़े रहो, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।